सुंधा माता से, जब जब महाराणा प्रताप का नाम आएगा तब तब भील राणा पूंजा को भी याद किया जाएगा। राजसमंद में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने आज राजसमंद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेवाड़ की इस वीर भूमि को प्रणाम करते हुए मैं महाराणा प्रताप, भील राणा पूंजा और सभी भील सरदारों और योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। देवल ने कहा कि इतिहास में जहाँ जहाँ और जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो उसी श्रद्धा से भील राणा पूंजा का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं कि हमें हमारा सही इतिहास पढ़ाया जाए। कांग्रेस ने अकबर को महान बताया लेकिन कभी महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया। कांग्रेस पार्टी हर काम में वोट बैंक देखती है लेकिन भाजपा की विचारधारा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित है। अरसे से आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था मगर कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, झाडोल विधायक बाबूलाल खराड़ी, गोगुंदा विधायक प्रताप लाल भील, पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया, एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीणा, जालौर जिला प्रमुख राजेश भील, भीलवाड़ा जिला प्रमुख श्रीमती वर्जीबाई भील, एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रीमती संतोष मीणा, राजसम्मत पूर्व विधायक बंशीलाल खटिक, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, चुनाव प्रबंधन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, दामोदर अग्रवाल सहित एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। के लिए सुंधा माता राजस्थान से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।